वक्त की एक अहम खबर, पी चिदंबरम तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। करीब 3 महीने जेल के बाद पी चिदंबरम, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है, जमानत मिली है। उनके बेटे कीर्ति चिदंबरम उनको लेने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे और ये जेल से बाहर की तस्वीरें हैं। पी चिदंबरम जेल से बाहर आए हैं, मीडिया ने घेर लिया है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं यहां पर, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर नजर आ रहे हैं झंडों को लेकर। और इस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से तिहाड़ जेल के आसपास से। पी चिदंबरम जेल से बाहर आए हैं, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 3 महीने पहले हिरासत में लिया था ईडी ने, आईएनएक्स मीडिया स्कैम में उनका नाम था और उसके बाद से लगातार करीब 3 महीने से वो जेल के अंदर थे, तिहाड़ जेल के अंदर थे। और फिलहाल पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है और अब उनको जेल से बाहर निकाला गया है, जमानत मिली है फिलहाल उनको। देखिए, हार पहनाकर स्वागत किया जा रहा है पी चिदंबरम का। 3 महीनों की हिरासत के बाद पी चिदंबरम बाहर आए हैं जेल से और यहाँ पर हो सकता है मीडिया से भी बात करने की मीडिया वाले कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कुछ बोलेंगे ये भी देखना होगा। दरअसल सुप्रीम नहीं कर रहे वो बात और निकल गए पी चिदंबरम, गाड़ी में बैठ गए हैं। बुधवार की अगर बात की जाए तो उनकी जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए, अच्छा इसमें एक और बात है कि ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हरिकेश राय की पीठ ने उनकी जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए कहा कि चिदंबरम ना तो प्रेस से बात कर सकेंगे और ना ही इस मामले में कोई बयान दे सकेंगे, ये शर्त लगाई गई है शर्तों के साथ, और इसीलिए उन्होंने चुप्पी साधी हुई, एक लफ्ज उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं बोला। और दूसरी बात, अदालत ने यह भी कहा है जिनको जमानत देने से पहले कि चिदंबरम को ईडी के बुलाने पर जांच के लिए आना पड़ेगा। 3 महीने के बाद, करीब 3 महीने के बाद बाहर आए हैं, 106 दिन के बाद बाहर आए हैं, 3 महीने के बाद चिदंबरम बाहर आए हैं, जेल से बाहर आए हैं, तिहाड़ जेल में थे। अदालत ने कहा कि चिदंबरम को ईडी के बुलाने पर जांच के लिए आना पड़ेगा और बिना अदालत की अनुमति देश से बाहर भी नहीं जा सकेंगे और साथ ही वो ना तो गवाहों को प्रभावित कर सकेंगे और ना ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ी करेंगे, ये कई शर्तें उनके साथ लगाई गई हैं। दरअसल 350 करोड़ रुपए का विदेशी फंड लेने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी में कई तरह की अनियमितताओं को लेकर मीडिया कंपनी आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ 15 मई 2017 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और उस वक्त पी चिदंबरम वित्त मंत्री हुआ करते थे और तभी से वो ईडी के रडार पर आए।